वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। वी आर स्टडिंग मॉडर्न इंडिया, उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डलहौजी तक वी हैव स्टडीड, अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो देयर हैड टेकन प्लेस रिवोल्ट ऑफ 1857। हो गया है रिवोल्ट ऑफ 1857। डलहौजी तक रूल होते होते 100 साल हो चुके थे, और बैटल ऑफ प्लासी से लेकर 1856 तक डलहौजी के रूल तक ऐसे कई सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से इंडियन सोसाइटी में अनरेस्ट फैल ही चुका था। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो, वो रियून हो चुकी थी, चाहे वो किसान वगैरह हों, वो ख़त्म हो चुके हैं। सब कुछ इंग्लैंड से आता है, यहाँ का कच्चा माल वहाँ चला जाता है, सामान बनके यहाँ महंगा बिकता है, कच्चा माल सस्ता खरीदा जाता है। तो वो 100 सालों के कई सारे कारण हैं जो हालात ख़राब कर ही चुके थे। इसी में तत्कालीन कारण के तौर पे रिवोल्ट हो जाता है। इमीडिएट कॉज वॉज समथिंग वॉज देयर जो रिजल्ट के तौर पर इरप्ट हो जाता है। यूजुअली इंडियंस के पास, चूँकि इंडियन इंडस्ट्री डेवलप हुई नहीं थी और जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो इंडियंस के पास नौकरी के दो ही साधन थे, या तो वो सिविल सर्विसेज में निचले अहदों पर काम करें या कंपनी के में सैनिक बन के काम करें। तो जो सैनिक थे वो भारतीय हुआ करते थे, लेकिन सैनिकों को प्रॉब्लम होने लगती है तब जब एक नई राइफल इंट्रोड्यूस हो जाती है, एनफील्ड राइफल। एक नई राइफल इंट्रोड्यूस होती है, एनफील्ड राइफल। इसमें इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, एंड दिस एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होते थे ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, चर्बी युक्त कारतूस इसमें इस्तेमाल होते थे। पहले ब्राउन बेस नाम की राइफल चलती थी, लेकिन अब आ गई है एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस हैं, और सोल्जर्स जो अवध क्षेत्र से ज़्यादा आते हैं और हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा हैं, उनको ये पता है कि ये जो ग्रीस बनी है, इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग। सोल्जर्स बींग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ओबियसली अ हिंदू कैन नॉट टेक फैट ऑफ काउ टू हिज माउथ, मुस्लिम कैन नॉट टेक फैट ऑफ पिक टू हिज माउथ, एंड द ओनली वे वन कैन लोड दिस पर्टिकुलर कार्ट्रिज कारतूस इन द राइफल इज टू चू ऑफ। वो जो ग्रीजी कागज है उसे मुँह से काटा जाएगा, फिर लोड किया जाएगा। और हिंदू और मुस्लिम सैनिक इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना था अंग्रेज़ों की नीति ही क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है, और ये हमको धर्म बदलने की तरफ उनका ये कदम है। तो वो धार्मिक कारणों से इसको इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। तो रिवोल्ट का जो तत्कालीन कारण था वो था द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, जिसमें ग्रीस कार्ट्रिजेज इस्तेमाल होते हैं, जिसमें जो चर्बी इस्तेमाल हुई है वो काउ और पिक की इस्तेमाल हुई है। इसको लेकर रिजेंटमेंट है, सोल्जर्स नहीं रेडी हैं, और 29 मार्च 1857 को मेरठ में नहीं, बैरकपुर छावनी में, अ सोल्जर मंगल पांडे रिवोल्टेड ओवर द इश्यू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस। एंड मंगल पांडे बिलोंग्ड टू 34th नेटिव इन्फेंट्री। ये जो इवेंट हुआ है ये बैरकपुर बंगाल में हुआ है, मेरठ में नहीं हुआ है। मंगल पांडे की बटालियन का नाम 34th नेटिव इन्फेंट्री है। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट वन हु सेड आई विल नॉट बी यूजिंग ग्रीस कार्ट्रिजेस। जब ये पता लगता है तो जो कमांडर है लेफ्टिनेंट बॉग, उसको उसने शूट करने की कोशिश की है, एंड दिस वॉज द रीज़न फाइनली कि मंगल पांडे को फांसी हो जाती है। तो मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज हैंग्ड ऑन द इशू ऑफ ग्रीस कार्ट्रिजेस, एज ही
When he was forced to, he tried to shoot his officer, Lieutenant Bog, at बैरकपुर छावनी। ये इशू हो जाती है और यहीं से रिवोल्ट फिर फैलने लगता है। तो ये बैरकपुर की बात है। अब जब ये बैरकपुर में हुआ है तो मेरठ के सैनिकों ने भी इसको इशू बनाया है और अप्रैल 1857 में वहाँ भी थर्ड कैवलरी के सैनिक तैनात हैं, वो भी रिवोल्ट के फॉर्म में आ गए हैं, वो भी ग्रीस कार्टेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा होने लगा है। अप्रैल में वहाँ रिवोल्ट हुआ है और फाइनली उसमें से कई सारे सैनिकों को, 80 सैनिकों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। पूरे अप्रैल भर मेरठ, जो आपको याद होगा, डलहौजी हैड शिफ्टेड द ऑर्डिनेंस डिपो फ्रॉम कलकत्ता टू मेरठ। तो मेरठ बहुत बड़ी छावनी थी, बहुत बड़ा कैंटोनमेंट था। आज भी मेरठ इंडिया में बहुत बड़ा कैंटोनमेंट माना जाता है आर्मी का। तो मेरठ में ये थर्ड कैवलरी तैनात थी और जब उनको लगता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इज क्वाइट लेस, तो उस दिन वो अपनी प्लानिंग चल ही रही थी, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था अप्रैल के महीने में और किसी तरीके से फिर फाइनली वो दबा भी दिए जाते हैं। लेकिन जब सोल्जर्स को पता लगता है, उनमें से बहुत सारे अरेस्ट भी हो गए हैं, कि 10 मई के आसपास, मई के पहले हफ्ते में उनको ये अंदाज़ा है कि आज का डिप्लॉयमेंट थोड़ा हमारे फेवर में है, अंग्रेज़ अफसर और सोल्जर्स कम हैं, और तो उस 10 मई को उन्होंने वहाँ से रिवोल्ट किया है मेरठ से और स्लोगन दिया है, लेट अस मूव टू दिल्ली। मेरठ के सैनिकों ने रिवोल्ट दिया था, दिल्ली चलो। आगे चल के सुभाष चंद्र बोस की INA भी यही रिवोल्ट देगी, दिल्ली चलो। इस तरीके से दे ऑल केम टू दिल्ली, दिल्ली आ जाते हैं इस तरीके से ऑन 12th ऑफ मे। 12 मई को द सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ केम टू दिल्ली और वहाँ पर फिर बहादुर शाह जफर हैं। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर हैं। बहादुर शाह जफर को वो प्रोक्लेम करते हैं एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, वी स्टिल कंसिडर यू एज द एम्परर ऑफ इंडिया, यू बींग द एम्परर ऑफ इंडिया यू शुड लीड द रिवोल्ट। इस तरीके से जब बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले से ऐलान किया है तो शुरू, फॉर्मली रिवोल्ट शुरू हो जाता है फिर दिल्ली से। दिस वे रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली ऑन 12th of May 1857। वहाँ से फिर रिवोल्ट शुरू होने लगता है। तो रिवोल्ट स्टार्टेड 12th May, रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली एज अनाउंस्ड बाई बहादुर शाह जफर। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किस सेंटर पर कौन लीडर था। तो पहला इम्पॉर्टेंट सेंटर दिल्ली, और दिल्ली के रिवोल्ट को लीड किया था मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने, लेकिन दिल्ली के नॉमिनल कमांड तो बहादुर शाह जफर के हाथ में थी, लेकिन दिल्ली का रिवोल्ट एक्चुअली लीड किया था बख्त खान ने। बख्त खान वॉज द रियल लीडर ऑफ दिल्ली। बख्त खान ने रिवोल्ट को लीड किया है दिल्ली से, जिनको टाइटल मिला था पहले साहिब ए आलम बहादुर। बख्त खान को बोला गया था साहिब ए आलम बहादुर। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बख्त खान वॉज द रियल कमांडर ऑफ दिल्ली एंड बहादुर शाह जफर वॉज अ नॉमिनल लीडर ऑफ रिवोल्ट, होल रिवोल्ट एंड ऑल्सो दिल्ली। अनदर इम्पॉर्टेंट सेंटर वॉज कानपुर। नाना साहेब, नाना साहेब सपोर्टेड बाई तात्या तोपे एंड अजीमुल्ला खान ने रिवोल्ट लीड किया था कानपुर से। लखनऊ के रिवोल्ट को लीड किया है बेगम हजरत महल। आपको पिछले लेक्चर में याद होगा कि वाजिद अली शाह को लखनऊ से डिसबैंड कर दिया गया था और लखनऊ कैप्चर का अवध कैप्चर कर लिया गया था। तो बेगम हजरत महल ने रिवोल्ट को लीड किया है लखनऊ से। वाजिद अली शाह वॉज द लास्ट नवाब ऑफ अवध
और अवध की जो नवाबशिप है वो शुरू हुई थी सादत खान के थ्रू 1722 में, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो लखनऊ से रिवोल्ट लीड कर रही हैं बेगम हजरत महल, सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर यू ऑल नो वॉज झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, के हस्बैंड गंगाधर राव की डेथ हुई है और फिर उनके बेटे को वो राजा मानने को तैयार नहीं है डलहौजी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने 1853 में झांसी कैप्चर कर लिया था। दिस वे रानी झांसी लेड द रिवोल्ट फ्रॉम दिस झांसी एंड शी वॉज लेटर सपोर्टेड बाई तात्या तोपे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर इन बिहार वॉज आ रहा जगदीशपुर एक रियासत, उसके राजा कुंवर सिंह ने रिवोल्ट को लीड किया था आरा से, यूजुअली पूछ लिया जाता है आरा से रिवोल्ट को लीड किया है कुंवर सिंह ने, कुंवर सिंह ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ रिवोल्ट, और लाइन ऑफ बिहार भी कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ बिहार लीड करते हैं। बरेली से रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं खान बहादुर खान, बरेली से रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं खान बहादुर खान। इस तरीके से इलाहाबाद भी सेंटर है, बनारस भी सेंटर है, छोटे बड़े बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटर रिवोल्ट के ये रहते हैं। मतलब रिवोल्ट ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया तक सीमित रहा और साल भर चलता रहेगा रिवोल्ट, लेकिन जून 1858 में, और ये सब सेंटर सप्रेस होते जा रहे हैं, दिल्ली सप्रेस हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ये सब इनको दमन करते जा रहे हैं अंग्रेज, लेकिन जून 1858 में साल भर बाद रानी झांसी डाइड व्हेन शी वॉज फाइटिंग अगेंस्ट यू रोज। रानी झांसी की डेथ के साथ लगभग फॉर्मली रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है। शी डाइड फाइटिंग ह्यू रोज, झांसी से वो ग्वालियर की तरफ हैं, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। तो शी डाइड फाइटिंग अगेंस्ट ह्यू रोज द ब्रिटिश कमांडर ह्यू रोज। विद द डेथ ऑफ रानी झांसी द रिवोल्ट वन ईयर एफर्ट केम टू एन एंड। इस तरीके से रिवोल्ट का दमन हो जाता है। 1858 जून तक आते आते ये रिवोल्ट लगभग ख़त्म हो गया है, रिवोल्ट का एंड हो जाएगा। और रिवोल्ट एंड तो हो गया, रिवोल्ट का दमन तो कर दिया जॉन निकोलसन ने, कैंपबेल ने, हैवलॉक ने, ये सब वो कमांडर हैं। लखनऊ का जो कमिश्नर था उसका नाम था हेनरी लॉरेंस, रेजिडेंसी जला दी थी रिबेल्स ने, है ना, विद्रोहियों ने। हेनरी लॉरेंस लखनऊ का रेजिडेंट है, इंग्लिश रेजिडेंट है हेनरी लॉरेंस, उसको मार दिया गया है और रेजिडेंसी जला दी गई है। ये सब होता है, लेकिन अल्टीमेटली तो रिवोल्ट का दमन ही हो जाता है। रिवोल्ट एंडेड बाई जून 1858 तक रिवोल्ट का एंड हो जाएगा। रिवोल्ट ने ऐसा तो इम्पैक्ट दे दिया है कि रिवोल्ट का जो भी इम्पैक्ट आया है कि अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत की सत्ता रहने नहीं देंगे। इस तरीके से भारत के लिए एक नया कानून पास हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, इट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का रूल ख़त्म हो जाएगा। इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था कैनिंग और इंग्लैंड की महारानी है विक्टोरिया, विक्टोरियास प्रोक्लेमेशन ये पास हो जाएगा, कानून पास हो जाएगा। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1813 के चार्टर एक्ट में व्यापार ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, 1833 के चार्टर कानून में व्यापार पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पे काम करती है, और 1858 में कंपनी
पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है और कंपनी का रूल एंड हो जाता है बाई वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। और डायरेक्ट रूल ऑफ क्राउन बिगेन। अब भारत को सीधे क्राउन खुद शासन करेगा, बीच में एजेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। जो गवर्नर जनरल है उसके पद का नाम वायसराय भी हो जाएगा। अब वो एक्चुअली कहलाएगा गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया और द वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय का मतलब है वो क्राउन को रिप्रेजेंट करता है। एंड केनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय। केनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड केनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बाई वर्च्यू ऑफ एक्ट ऑफ 1858। इसी से केनिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। एंड केनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो लास्ट गवर्नर जनरल है भारत का, केनिंग ऑफ इंडिया। एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। वो था तो गवर्नर ऑफ बंगाल, बट अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उस पद का नाम हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वो आया तो गवर्नर के तौर पे था, लेकिन अगले ही साल कानून पास हुआ एंड ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ही वॉज द वन। एंड बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही बिकेम द फर्स्ट वायसराय, केनिंग। तो केनिंग बन जाता है पहला वायसराय। इस तरीके से कंपनी का रूल भारत में पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा बाई वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, जिसमें कहा गया कि अब भारत में कंपनी का रूल है। और ये इलाहाबाद से अनाउंस हुआ था, विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद से पढ़ के सुनाया गया था विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, दैट नाउ कंपनी इज ओवर एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट विल रूल इंडिया डायरेक्टली। दिस वे रिवोल्ट का इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब सीधे इंग्लैंड सरकार भारत को रूल करेगी। सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए पूरी तरीके से खोल दी जाएंगी। अब भारतीय भी सिविल सर्विसेज में ऊंचे पदों तक आ सकते हैं। और इस तरीके से सत्येंद्र नाथ टैगोर फ्रॉम द टैगोर फैमिली विल बिकम द फर्स्ट इंडियन हु विल बिकम द पार्ट ऑफ ICS, नाउ सिविल सर्विसेज ICS। तो पहले भारतीय जो सिविल सर्विसेज में आगे चल के आएंगे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जब यहाँ पर सिविल सर्विसेज भारतीयों के लिए पूरी तरीके से ओपन कर दी जाती हैं। ओपन तो थी बट क्लेरिकल पोस्ट तक ओपन थी, अब ऊंचे पदों तक आ सकते हैं। एंड दिस वे सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज और ICS आगे चलकर। तो अब इस तरीके से काम हो रहा है। रिवोल्ट के बारे में कुछ किताबें लिखी गई और स्टेटमेंट दिए गए। वीडी सावरकर ने बोला है इट वॉज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बुक भी है ये वीडी सावरकर, फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बाय सत्येंद्र नाथ, एस एन सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, किताब का नाम है ये, बुक है 1857। ये भारत सरकार ने लिखाई थी इंडिपेंडेंस के बाद। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट रिटन बाय सुरेंद्र नाथ सेन अ हिस्टोरियन, ये भारत सरकार द्वारा लिखवाया गया इतिहास है रिवोल्ट का बाय सुरेंद्र नाथ सेन हिस्टोरियन। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके एनालिसिस हुए और सबने अपने अपने हिसाब से इसे बोला है। दिस वे ये रिवोल्ट ख़त्म हो जाता है, रिवोल्ट वॉज ओवर इन दिस वे। अब भारत में आने लगे हैं वायसरॉयज। अब भारत में वायसराय काम करेंगे और अब सीधे इंग्लैंड भारत पे शासन कर रहा है। तो अब चेंज होने लगेगा।
तो ये बोर्ड जो है बहुत एनर्जी ले लेता है। चलिए, तो अब 1858 से लेकर 1885 तक के पीरियड पे बात करते हैं। मतलब मैं आपको ले जा रहा हूँ कि कांग्रेस बनने तक, जब फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हुई थी, तो कांग्रेस 1885 में बनेगी और तब तक हम कुछ छोटे छोटे फैक्ट। और तो डलहौजी के बाद कैनिंग आया था, तो कैनिंग के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर सीधे कांग्रेस पे आ जाएंगे। कैनिंग के समय ही रिवोल्ट हुआ था 1857 में, वो 1856 में आ गया है। और इसी समय भारत में 3 यूनिवर्सिटीज़ खोल दी जाती हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। डलहौजी के समय एक वुड्स डिस्पैच आया था, आपको याद होगा, उसने रिकमेंड किया था कि लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पर 3 विश्वविद्यालय खोले जाएं। सो द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज विच वर फाउंडेड इन इंडिया वर इन 1857, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटीज़ खुल जाती हैं। 1860 में इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता लागू हो जाती है। 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास हो गया है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये जो कानून चला करते हैं कुछ 1860s के कानून हैं, कैनिंग के समय ये पास होने लगते हैं। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हो जाता है। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट पास हो जाता है। अब तक चार्टर एक्ट आया करते थे, अब इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया करेंगे। और ये एक पहला वाला है 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब यहाँ पर कुछ काउंसिल्स काम किया करेंगी, पार्लियामेंट बनने की तरफ ये कदम है। 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट आ जाता है। इसी समय 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ है और कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में 1862 में ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। अभी भी इन हाई कोर्ट्स के नाम कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट हैं, चेन्नई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट या कोलकाता हाई कोर्ट नहीं है। पार्लियामेंट में बिल दाखिल हो चुका है कि इनके नाम चेंज कर दिए जाएं, बट अभी भी इनके नाम वही हैं, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट। 1862 में शुरू हुए थे, पास हो गया था बिल 1861 में, हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास 1862 में। इसी समय इनकम टैक्स भी शुरू हुआ था। जेम्स विल्सन काउंसिल का फाइनेंस मेंबर था, जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स शुरू किया था इसी समय। और इसी एक्ट के तहत भारत में शुरू हो जाती है कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना, मैंने आपको पॉलिटी में बताया था। तो इससे ही मतलब गवर्नर जनरल, वाइसराय, अब ये आप फाइनेंस मेंबर हैं, आप इंडस्ट्री मेंबर हैं, आप कॉमर्स मेंबर हैं, आप एग्रीकल्चर मेंबर हैं, मतलब वो डिपार्टमेंट बांटेगा एक एक मंत्री को। इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पोर्टफोलियो सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम। एक्चुअली इसी के तहत शुरू हुआ था भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने फिर कंटिन्यू किया था। तो देयर वॉज कैनिंग इन 1856 टू 1862, कैनिंग हुआ करता है। फिर और गवर्नर जनरल, वायसराय आएंगे, उसके बाद फिर एक लिटन नाम का वायसराय आएगा। लिटन बड़ा ही बदमाश है। लिटन, वो कहता है भारतीयों को इतने अधिकार नहीं देने चाहिए थे, इसलिए मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा। तो एक बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर का आगे चल के वायसराय आया है, नाम है लिटन।
1876 टू 1880, इसी के समय हुआ है दिल्ली दरबार। तीन दिल्ली दरबार हुए हैं, पहला है ये वाला, दूसरा कर्जन के समय 1903 में होगा, एक 1911 में होगा। तो ये पहला दिल्ली दरबार है, 1877 में दिल्ली दरबार हुआ है और अनाउंस हुआ है कि क्वीन विक्टोरिया इज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। रॉयल टाइटल्स एक्ट पास हुआ था दिल्ली दरबार 1877 में, शी इज़ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। और कुछ इन्हीं दिनों भारत में बहुत बड़ा फेमिन चल रहा था, अकाल चल रहा था। अकाल के समय बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया गया था इस दिल्ली दरबार में, जहां भारत के सारे राजा महाराजा बुलाए गए थे और विक्टोरिया वॉज प्रोक्लेम्ड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। वो आई नहीं थी, प्रोक्लेमेशन हुआ था। और ये फिर इल्ज़ाम लगता है कि जब भारत में अकाल की स्थिति है तब इतना पैसा सरकार वेस्ट कर रही है दिल्ली दरबार में। सो देयर वॉज दिल्ली दरबार इन 1877 इन द टाइम ऑफ लिटन। लिटन ने पास किया है वर्नेकुलर प्रेस कानून 1878 में। वर्नेकुलर प्रेस कानून पास हुआ है जिसमें इंडियन प्रेस पर पाबंदियां हैं, दैट इंडियन प्रेस कैन नॉट राइट एनी सेडिशियस आर्टिकल्स। सेडिशन माने राजद्रोह, सरकार के खिलाफ नहीं लिख सकते। भारतीय प्रेस, भारतीय न्यूज़पेपर कोई ऐसा आर्टिकल नहीं छापेंगे जो देश के देशद्रोह हो, राजद्रोह हो। वर्नेकुलर प्रेस कानून इसने किस पे लगाया है? इंडियन प्रेस पे, नॉट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। याद रखना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे नहीं था ये, भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी है, क्योंकि अखबार निकलने लगे हैं रिवोल्ट के बाद। एक एजुकेटेड क्लास डेवलप हुई है और वो अंग्रेजी नीतियों की क्रिटिसिज्म करते हैं। तो और ये जो भारतीय अखबार हैं इनमें ही यही भारतीय जानते हैं, तो भारतीयों में रिवोल्ट की स्थिति और डेवलप ना हो जाए इसलिए भारतीय प्रेस पे इसने पाबंदी लगाई है। वर्नेकुलर प्रेस कानून 1878 में इसने पास किया है, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहते थे। गैगिंग एक्ट का मतलब होता है जब प्रेस पे पाबंदियां लगा दें तो प्रेस को गैग कहते हैं, मतलब उसका स्ट्रेंगुलेट, आवाज़ दबा देना, इसे स्ट्रेंगुलेटिंग एक्ट, गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। तो इंडियन प्रेस पे पाबंदियां लगाने वाला था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट में, दिस वन लिटन। लिटन ने ये पास कर दिया है। सबसे ज़्यादा डेंजरस मेजर इसका यही था, इसीलिए जाना जाता है। 1878 में लिटन ने पास किया था वर्नेकुलर, माने होता है देशी भाषाएं, वर्नेकुलर प्रेस कानून 1878। ये कहता है भारतीयों को सिविल सर्विसेज में ऊंचे पदों तक आने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, इनके लिए एक सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज बना दी जाए। ट्रायल भी हुआ लेकिन चल नहीं पाई, इसलिए इसे कहते थे ही वॉज द गवर्नर जनरल विद रिवर्स करेक्टर। ही वॉज कॉल्ड गवर्नर जनरल वायसराय विद रिवर्स करेक्टर। ही कहता था 1857 से पहले वाले जो हालात थे उसमें ही भारतीयों को वापस ले जाओ, इनको ये जो अधिकार दिए जा रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में आ जाओ या आ जाओ, ये सब बंद कर देने चाहिए। इसलिए उल्टी चाल रखता था, उल्टी सोच रखता था, कहलाता था वायसराय विद रिवर्स करेक्टर, क्योंकि इसकी सारी इसके बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो नेगेटिव करेक्टर के हुआ करते थे। आर्म्स एक्ट पास किया है इसने, नो इंडियन कैन पजेस एनी आर्म। आर्म्स एक्ट, बिना लाइसेंस के कोई इंडियन आर्म्स पजेस नहीं कर सकता, विदाउट लाइसेंस। इंडियंस पे है ये, अंग्रेज़ों पे नहीं है। नो इंडियन कैन पजेस एनी आर्म्स विदाउट लाइसेंस, अंग्रेज रख सकते हैं। तो ये था लिटन, जो डेंजरस माना जाता था। और लिटन के जो चार साल थे उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बन के रहेगी, ऐसे हालात आ गए हैं। लिटन ख़त्म होता है, वापस जाता है, और लिटन के बाद तुरंत आता है एक और बेहतर वायसराय जिसका नाम था रिपन। लिटन के बाद आता है रिपन, उल्टा है लिटन का, उल्टा है रिपन। तो आया है रिपन, सो देयर वॉज दिस रिपन
एटीन एट्टी टू एटीन एट्टी फोर रिपन 1881 इसने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट रिपील करा दिया है एंड ही फ्रीड इंडियन प्रेस। इसने इंडियन प्रेस को लिटन के कानून से मुक्त कर दिया था। रिपील माने होता है खारिज करना। ऐसा '35-36 में एक गवर्नर जनरल था चार्ल्स मेटकाफ। ये पहला अंग्रेज था जिसने बहुत सारे अधिकार दिए हैं इंडियन प्रेस को। यहाँ ऐड करा दे रहा हूँ, 1881 में रिपन ने भी ऐसा किया है कि प्रेस को आज़ादी दी है, लेकिन सबसे पहले जिस अंग्रेज ने प्रेस को आज़ादी, इंडियन प्रेस को आज़ादी दी थी, वो था चार्ल्स मेटकाफ। बेंटिक के बाद आया था एक आध साल के लिए, और इसे बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। ही इज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, चार्ल्स मेटकाफ। इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट वन हु गेव लॉट ऑफ अधिकार टू इंडियन प्रेस, कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर वॉज बंगाल गजट बाई जेम्स हिकी। 1780 के आसपास दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाई, अंग्रेजी था लेकिन ये भारत का पहला अखबार कहलाता है, अंग्रेजी में आया था बंगाल गजट बाई जेम्स हिकी। तो इंडियन प्रेस ऐसे शुरू काफ़ी पहले हो चुकी है। इसके बाद बड़ा योगदान राम मोहन रॉय का है। तो इंडियन प्रेस को सबसे पहले आज़ादी देने वाला था चार्ल्स मेटकाफ, ऐसे ही आगे चल के किया है रिपन ने। 1881 में फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कराया था, जनगणना कराई थी रिपन ने। 1881 में पहला जनगणना कंप्लीट जो हुई थी वो रिपन ने कराई थी। वैसे '1872 में पहली बार सेंसस हुआ था, वो मेयो के समय हुआ था। 1872 में वायसराय मेयो ने पहला प्रयास किया था सेंसस कराने का, लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस है वो 1881 का है। उससे पहले 1872 में मेयो ने पहला एफर्ट किया है जनगणना कराने का। ये पहला कंप्लीट सेंसस माना जाता है 1881 का, जो रिपन ने कराया है। पहला सेंसस रिपन के नाम पर है। वैसे 1872 में मेयो ने पहला एफर्ट किया था सेंसस के लिए। इसने पास किया है रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसने पास किया है रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हर शहर में बनाए जाएं लोकल बोर्ड्स, हर शहर में बनाए जाएं लोकल बोर्ड्स इसने बोला है हर शहर में लोकल बोर्ड्स बनाए जाएं और उनको कुछ पावर्स और फंड्स भी दिए जाएं। हर शहर में म्यूनिसिपलिटी हो और उसमें कुछ उनको पावर्स भी दी जाएं, फंड्स भी दिए जाएं। इसलिए ये कहलाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इसलिए ऐसे कहते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। रिपन इज कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। हर शहर में कुछ लोकल बोर्ड्स होने चाहिए तो उनको कुछ पावर भी दी जाए, शहर के जो बेसिक काम हैं वो शहर की म्यूनिसिपलिटी अच्छी तरीके से देख पाएगी, ऐसा ये कहता है। तो ये इसके कुछ कार्य हैं। डेट्स वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ये सबसे इसके कार्य इम्पॉर्टेंट हैं, ना भी याद हो डेट्स मैटर नहीं करता।
सेंसस वगैरह के डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज इसने लोकल वोट्स वगैरह की बात कही है. कुछ इसी ने हंटर रिपोर्ट पास की है. इंडियन एजुकेशन कमीशन हेडेड बाय हंटर रिपोर्ट आई है जिसमें इसने कहा है प्री प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए क्योंकि ये पिछड़ रही है. वुड्स डिस्पैच का सिस्टम जो डलहौजी के समय आया था उसमें शिक्षा को सेंट्रलाइज ज़्यादा कर दिया है. जब तक डिवोल्यूशन नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी. इसलिए प्राथमिक शिक्षा की सारी जिम्मेदारी लोकल बोर्ड्स को दे दीजिए, मतलब म्यूनिसपैलिटियों को दे दीजिए जो अभी अभी बनी है. तो आज भी जितनी शहर की प्राइमरी एजुकेशन होती है, सरकारी स्कूल होते हैं, वो शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से चलाती हैं. ये शुरू हुआ था भाई हंटर रिपोर्ट 1882 की. हंटर रिपोर्ट का संबंध की शिक्षा व्यवस्था से, प्राइमरी एजुकेशन से. आज भी सिस्टम चलता है कि जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन है शहर की, वो सारी की सारी शहर की सरकारी स्कूल्स म्यूनिसपैलिटी चलाती है. हंटर रिपोर्ट इसके समय पास हो गई है इन द टाइम ऑफ दिस थिंग. तो रिपन बड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसने भारत के लिए अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए इसे अकबर अमंग वायसरॉयस कह देते हैं या मोस्ट बिलवेड वायसराय कहलाता है. भारत के लिए अच्छा साबित हुआ था रिपन. रिपन ने अपनी काउंसिल में एक बिल रखा है 1883 में, इल्बर्ट बिल. एक इल्बर्ट बिल है उसके नाम पर आया है. इसमें ये लिखा हुआ है कि इंडियन जजेस कुड ट्राई द केसेस ऑफ यूरोपियंस. मतलब ये जजेस को पावर दी जा रही है कि अगर वो जो मुकदमा है वो अंग्रेज भी उसमें यदि हैं तो भारतीय जजेस उनके लिए सेंटेंस पास कर सकते हैं. इससे पहले परमिशन नहीं थी. तो एक बिल आया है इल्बर्ट बिल जिसमें अंग्रेजी हिंदी इंडियन जजेस को ये पावर दी जा रही है कि यूरोपियंस के केसेस का फैसला आप कर सकते हैं. जब ये बिल आता है पार्लियामेंट में, मतलब सेंट्रल काउंसिल में, तो ये बिल पास नहीं हो पाता है. जो इंग्लिश मेंबर वगैरह हैं वो इसको बिल को पास नहीं होने देंगे और इसके अपोजिशन में पूरे भारत में एक विद्रोह हो जाता है जिसे हम सफ़ेद विद्रोह, वाइट म्यूटनी भी कह देते हैं. इट हैपेंड बिकॉज ऑफ अपोजिशन टू इल्बर्ट बिल. अगर इंडियंस को अंग्रेज़ों को के केसेस में फैसला देने की अनुमति दे दी गई तो अनवारंटेड पनिशमेंट मिलेंगे आउट ऑफ रिवेंजफुल एटीट्यूड. इसलिए बिल नहीं पास होने देते हैं काउंसिल के लोग और पूरे भारत में भी इसके खिलाफ विद्रोह हुआ है अंग्रेज़ों द्वारा. इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सीज का नाम बन गया. इधर 1830s के बाद, 19th सेंचुरी के शुरू से ही एक एजुकेटेड क्लास भारत में काम कर ही रही है और एजुकेटेड क्लास ये सब देख रही है, उसकी एस्पिरेशंस बढ़ती ही जा रही थी और वो उनमें से बहुत सारे तो इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में पढ़ के आए थे और वो अच्छी तरह जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशंस आ चुके हैं और वो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और डिमांड भी कर रहे थे कि हमको जगह दी जाए, हमारी बात सुनी जाए, काउंसिल्स में हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो, बढ़े. तो वो सब इन चीज़ों को देख रहे हैं और जब वो देखते हैं कि एक इस छोटे से कारण से सारे अंग्रेज़ एक होकर सरकार को पीछे ढकेल सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत सारे कारण हैं एक होने के, इसलिए क्यों ना हम सब मिलकर एक संस्था बनाएं और अंग्रेज़ों को अपोज करें. इस तरीके से इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इस तरीके से बन जाती है कांग्रेस. बनने के कारण बहुत सारे हैं लेकिन तत्कालीन कारण था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. इफ द ब्रिटिश इंग्लिश पीपल कैन बिकम वन एंड दे कैन पुश द गवर्नमेंट बैक ऑन सच एन
स्मॉल इशू, वी हैव गॉट ऑल द मोर रीजन्स टू बिकम वन, लेट अस यूनाइट टुगेदर। वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं काम करती जा रही हैं, लेकिन अब ये सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और शुरू कर देते हैं 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका नाम 1885 में दादा भाई नौरोजी बोल देंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस वे रिपन के जाते जाते के समय बनने लगते हालात पैदा हो चुके थे और बन गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस वे देयर वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट केम इन टू बींग, और कांग्रेस के बनने से ही शुरू हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल। इससे ही शुरू हो गई है फ्रीडम स्ट्रगल, और अब यहाँ से अंग्रेज़ों के रूल की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। अब पढ़े लिखे लोगों ने कमान अपने हाथ में ले ली है। 1858 तक तो मेडिवल टाइप ऑफ रूलर्स थे जो रिवोल्ट लड़ रहे थे, अब कुछ एजुकेटेड पीपल हैव कम टू द फोर फ्रंट एंड दे हैव ऑल द गुड आइडियाज एंड दे हैव ऑल द रैशनैलिटी एंड लॉजिक टू टॉक टू इंग्लिश पीपल। नाउ सिंस दे हैड टेकन द कमांड इन द फॉर्म ऑफ गुड नंबर ऑफ देम, ग्रेजुअली इंग्लिश पीपल विल स्टार्ट यील्डिंग। वर्ल्ड के हालात भी ऐसे होते जा रहे हैं कि अंग्रेज़ों को अल्टीमेटली भारत छोड़ना ही पड़ेगा। ये शुरुआत हो जाती है 1885 से, जब शुरू हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड द तत्कालीन कारण वॉज एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। दिस वे रिपन के समय, और वो जो इससे पहले लिटन था उसके समय वो हालात बन गए थे कि उसका रिजीम ऐसा था, रिएक्शनरी था, कि इंडियंस प्रेशर फील करने लगे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे इंडियंस, और आगे चल के हालात ऐसे बन जाते हैं, तो रिपन के समय ये डेवलपमेंट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ ये भी ऐड कर लीजिए, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ है रिपन के समय, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, डेट मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर पहली बार एक ऐसा कानून बना है जहाँ पर चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम हुआ था। तो विच गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय वाज़ द फर्स्ट वन हु टुक अंडर टुक मेजर्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस वन, रिपन। रिपन के समय फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ है जिसमें चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट काम होने लगा है, 7 साल से नीचे के बच्चे काम नहीं करेंगे, और फैक्ट्री का सिस्टम रेगुलेट होना शुरू हुआ था। तो बहुत अच्छे अच्छे काम रिपन ने किए थे, इसलिए इसको मोस्ट बिलेवड ऑफ ऑल गवर्नर जनरल्स एंड वायसराय कहा जाता है, और इसी को अकबर अमंग गवर्नर जनरल ऑफ वायसराय भी कह देते हैं। थोड़ा भारत के लिए बेहतर साबित हुआ था रिपन, और रिपन द ग्रेट भी कह देते हैं, इसका उल्टा था इससे पहले वाला रिपन। दिस वे देयर स्टार्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, और यहाँ से शुरू हो गई है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, शुरू हो जाती है फ्रीडम स्ट्रगल। तो चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल हम अगले लेक्चर में करेंगे। स्टूडेंट्स, आई एम नॉट एबल टू गिव यू रेगुलर लेक्चर्स, बट आई विल ट्राई टू गिव देम रेगुलरली, सो प्लीज़ कोप अप विद दिस डेवलपमेंट। जो भी चल रहा है इसको थोड़ा देख लीजिए, जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो डोंट बी एंग्री। आप में से कुछ एंग्री भी हो रहे हैं, है ना, डांट भी रहे हैं मुझे, तो डांटिए नहीं, सारा कोर्स पूरा होगा, जल्दी हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट, वर्क वेरी हार्ड, थैंक यू वेरी मच।